उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी से लेकर अभी तक कई राज्यों में मजारों और मस्जिदों पर हमले की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, दिल्ली में हुई इन सभी घटनाओं में भाजपा और संघ परिवार से जुड़े गुंडों की भूमिका उजागर हुई है, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उन्हें संरक्षित करने का काम किया है। इसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया है और मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। देश में इस टाइम सांप्रदायिक माहौल हो रहा है और देश जो है इस टाइम बहुत खतरनाक स्थिति में है, उसको लेकर पूरे जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में ये ज्ञापन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग जो है वो दे रहा है। इसके हमारे जिला चेयरमैन अफजल साबरी साहब हैं। मांगे इसमें वो ये है, सांप्रदायिकता घटाई जाए देश में, मस्जिदों पे और मजारों पे जो तोड़फोड़ हो रही वो बंद की जाए, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो कोई भी हो, किसी जाति की हो, किसी समुदाय की हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारा एक मांग है और ये बाकी हमारे माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं जिले के ये देंगे, बताएंगे। ये सांप्रदायिकता जो ज़बरदस्ती फैला रहे हैं कुछ गुंडे मुरादाबाद के, और पूरे प्रदेश में यही हाल है, मज़ारों पे झंडे लहरा रहे हैं, मस्जिदों पे झंडे लहरा रहे हैं, जहाँ तरावीह हो रही हैं वहाँ पे बदतमीज़ी करते हुए निकलते हैं, गालियाँ देते हैं, उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक सेल द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, राष्ट्रपति को भेजेंगे, वो राष्ट्रपति के लिए है ज्ञापन। मांगे यही की गई है कि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए, उनके खिलाफ NSA लगे, जिससे ये जो है वो आगे न झुके।